वीडी शर्मा जी जो आरोप लगाते हैं उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता। वो उन्होंने ये भी कहा था कि केरल और पश्चिम बंगाल में जो करना होगा करेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने किया मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया वो केवल भाजपा को अपने आप को बचाने के लिए किया था, क्योंकि स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके थे कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। बर्बाद हो जाने का मतलब क्या है कि उनकी सारे भ्रष्टाचार की परतें खुल जाती और वे जनता की अदालत में सामने खड़े हो जाते। हम लोगों ने व्यापम पर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हम लोगों ने ई टेंडरिंग पर जांच चालू कर दी थी। हम लोगों ने सेहस घोटाले की जांच शुरू कर दी थी और रेत खदानों में जिस प्रकार का इन लोगों ने और विशेषकर शिवराज सिंह परिवार जी के परिवार ने जो किया था वो सारी परतें खुलने वाली थी, इसलिए बर्बादी से बचने के लिए उन्होंने खरीद फरोख्त किया था, ये अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत लंबी जांच हो गई और केस नहीं दर्ज हो पाए? ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। जब केस दर्ज होते तो ये नहीं, बात यह है कि उसके बारे में जो पुराना उन लोगों ने केस बिगाड़ा था उसके सुधारने के लिए सही अधिकारी को भी का भी चयन तो जो निष्पक्षता से काम करे, क्योंकि उन्होंने ऐसे अधिकारियों को वहाँ लगाया हुआ था कि जो कि पूरे तरीके से इनके कहने से काम करते थे। कमलनाथ जी की सरकार होने के बावजूद अधिकारी? बात यह है कि सरकार कमलनाथ जी की जरूर थी, लेकिन जिनके एक इन 15 सालों में कई संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि भाजपा के नेता और भाजपा जो है सरकार नहीं चलाती, व्यवसाय करती है, उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग हर निर्णय में कमीशन तय करते हैं और यही उनकी काम करने की शैली है।